पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कम्युनिस्ट एवं टीएमसी ने बंगाल को कंगाल कर दिया है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में तृणमूल हाफ और विधानसभा में साफ हो जाएगी। रघुनाथपुर विधानसभा जिला परुलिया के पार्टी कार्यालय में तीन विधानसभाओं परुलिया, काशीपुर एवं रघुनाथपुर के सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, टीएमसी एवं कम्युनिस्ट ने गरीबों की बात पर सिर्फ वोट लिया, कार्य कुछ नहीं किया। गरीबों के नाम पर वोट मांगने वाले अमीर हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ने 32 से 34 साल राज किया, टीएमसी ने 10 साल राज किया। इन दोनों ने बंगाल को कंगाल कर दिया। देवतुल्य कहने से अभिप्राय मेरा यह था कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता ढेर दुर्लभ होता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है। वैसे तो विवेकानंद जी ने, विद्यासागर जी ने, राय साहब ने सारी कहानियां, लेकिन जैसे जैसे चुनाव गरमाएगा आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। बंगाल को कंगाल कर दिया ममता दीदी और कम्युनिस्टों ने। 10 साल से ममता दीदी गरीबों की बात कर रही है, गरीबों में गेहूं खा गए, रेत माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया सब इसके राज में बदल गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।